टॉकिंग अबाउट योर जर्नी लाइक बीइंग अ कंपोजर पायल, सो एक बहुत ही हिट एल्बम आपका रहा है जिसमें आपका सावन में लग गई सॉन्ग है, देन फिर चला सॉन्ग है, लॉल सॉन्ग है, बहुत सुपर हिट ये एल्बम रहा है. सो हाउ इज द जर्नी वर्किंग विद सिंगर्स लाइक अमेजिंग सिंगर्स लाइक मिका सिंह एंड एवरीवन आउट देयर? मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है जब मेरे लिए कोई लेजेंडरी सिंगर कोई भी गाते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती. एज अ कंपोजर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ. मैं यहाँ इंडस्ट्री में हूँ एंड सब लोग मुझे इतना मानते हैं, सब लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए गाने गाते हैं, दैट इज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और एक्चुअली बेसिकली ये गिनी विद सनी जो एल्बम थी ना, तुम ही आना बहुत बड़ा हिट हो चुका था फ्रॉम मरजावा. एंड तुम ही आना हिट होने के बाद एज अ कंपोजर मुझे बहुत जगह से अप्रोच आने लगा कि हमें गाना करना है, हमें गाना करना है. एंड वैसे ही मैं समहाउ मिली अपने विनोद सर से, विनोद बच्चन जी से, जो प्रोड्यूसर थे गिनी विद सनी. तो उन्होंने बोला हमें इस गाने के लिए, आई वॉन्ट यू टू डू द एंटायर एल्बम. तो मैंने बोला कि सर एंटायर एल्बम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई विल डू 3 songs फॉर यू. तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है. मुझे फिर हमारी सिटिंग हुई, सब हुआ एंड गाने में सिंगर्स फाइनल किए हमने कि ये गाने पे मैं इनको कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, ये गाना ये गा सकते हैं. फर्स्ट सॉन्ग वी क्रैक वॉज लोल, वे तेरी हो गई लोल. तो मैंने बोला क्योंकि शादी का सिचुएशन है एंड पंजाबी गानों के बिना भाई शादी कंप्लीट नहीं होती है. तो हमने बोला कि एक ट्विस्ट लाते हैं जो हमारा हमारे पंजाब का फोक सॉन्ग है, ओ जिंदमानी जे चले हो. हमने बोला इसको रिक्रिएट करते हैं एंड द एंटायर थिंग आई कंपोज लाइक मुखड़े के फर्स्ट लाइन्स एंड अंतरा मैंने सारा कंपोज किया एंड उसमें वो ट्विस्ट डाला. लिरिकली हमने थोड़ा चेंज किया बिकॉज वो लड़की बोली चिढ़ा रही है बंदे को, वे तेरी हो गई लोल नहीं आवा ऐ वे तेरे कोल. ये हमने किया एंड बाद में हमने मेल पार्ट वो लाया मैंने और जिंदमा ही, ताकि एक फोक का एक फ्लेवर भी रह जाए हमारा. तो ये ऐसे हुआ. फिर दोबारा दूसरा गाना जो हुआ दैट वॉज फिर चला, क्योंकि तुम ही आना जुबिन ने गाया था पहले और ऑब्वियसली सब लोग की आप लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आपका जुबिन का और कुणाल वर्मा, आप तीनों के जहां आप लोग आते हो कॉम्बो आपका गाना बहुत अच्छा होता है, तो हमें जुबिन चाहिए. ठीक है, देन हमने फिर चला किया एंड द थर्ड सॉन्ग लाइक सावन में लग गया वो लास्ट में हुआ. विनोद सर ने बोला कि पायल अब एक गाना और प्लीज कर दो, मैं रिक्रिएट करना चाहता, मतलब चाहता हूँ अपनी पिक्चर के लिए सावन में लग गई आप मिक्का और बादशाह का. अब आप देखो अब जहाँ पे मिक्का पाजी है बादशाह पाजी है, मैं कैसे ना बोलूं. मतलब लोग तो खुश हो जाते हैं ना, यू नो, उनका नाम सुन के. अब मैं ये लग रहा है यार मैं गाना कंपोज करूंगी जो रिक्रिएट करूंगी, बादशाह भाई गाएंगे, मिक्का पाजी गाएंगे, क्या बात है यार, मजा आ जाएगा. तो मैंने एक वो ट्यून बना लिया सब हुआ. तो उन्होंने बोला था, तो मैंने बोला कि कैसा कैन वी डू वन थिंग. तो उन्होंने बोला हाँ हाँ प्लीज बोलो ना. मैं कहा देखो मिक्का पाजी है, बादशाह भाई भी है, तो एक जो बोलते हैं ना हिट जोड़ी, एक एक और एड ऑन करते हैं, नेहा को लाते हैं. अगर नेहा आएगी ना तो ये एकदम कंप्लीट सॉन्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड बहुत मजा आएगा. तो बोले कि ये बहुत वेरी नाइस आइडिया. फिर हमने नेहा से बात की, नेहा ने डब किया, उसे भी वो उसने खुद भी बहुत एंजॉय किया जब हमने पूरा सेशन में फन ज्यादा किया, डबिंग करी एंड देन हमने इतना मस्ती किया पूरे, मतलब पूरे रात भर हमारी. एनी ऑफ द मोमेंट दैट यू वांट टू हाईलाइट कि कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ मस्ती हुई हो और किसी ने प्रैंक प्रैंक करा हो कुछ मजेदार वाला? सी प्रैंक तो नहीं, पर मुझे याद है नेहा कहीं से आई थी एंड कुछ खाने का लाई थी अराउंड 3:30 बजे कुछ अलग सा, यू नो लाइक इट वॉज समथिंग एल्स. एंड हम लोगों ने टेस्ट किया, हमने बोला यार ये तो सुपर सूप, मतलब इतना टेस्टी है, हमें भी भूख लग गई वापस. तो उसने वापस से दोबारा करके उसने मंगाया. हम लोग रात भर गपशप मार रहे थे, रिकॉर्डिंग किया हमने साथ में. एक्चुअली जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते बहुत फन करते हैं. फिर खाना आया, हमने साथ खाना वाना खाया एंड इट वॉज अ सुपर टाइम लाइक हमने एक साथ बिताया एंड गाना रिकॉर्ड हो गया. एंड उसके बाद आदित्य है, आदित्य ने पूरा प्रोडक्शन किया उसका एंड पूरे गाने का स्ट्रक्चर ही चेंज किया. मतलब एक प्रोडक्शन, द म्यूजिक प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, उससे आप एक गाने को पूरा चेंज कर सकते हो. उन्होंने ऐसा बनाया, देन हमने प्रेजेंट किया एंड हमारे जो प्रोड्यूसर सर थे ही वो सो हैप्पी, बोले कि ये बनाना गाना, इसको रुक जाओ मैं शूट करूंगा, ऐसा ऐसा प्लानिंग. एंड ये गाना ऐसे ही हुआ एंड सी इट्स लाइक लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा ये वर्जन.
सावन में लग गई यार. यस